गुड मॉर्निंग मम्जी फैमिली, होप दैट यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और हम सब हो चुके हैं तैयार, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं मामा जी के घर पे, क्योंकि वहां पे है हवन। आज हम टेडी को स्कूबी नहीं डालेंगे, आज हम डालेंगे टेडी को सलामी। हाँ टैडू, क्या बात है, सुबह सुबह ट्रीट, ये लो। अब क्या ढूंढ रहा है बेटा, थप्पड़ों की सलामी मिलेगी इसके बाद तो। अब देखो, जब जागो तब सवेरा। आज आंचल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 8 बजे उठ गया मैडम, क्या बात है। आदित्य को ना हमने सोचा कि घड़ी गिफ्ट करेंगे, ये सस्पेंस रहा ही नहीं कि आदित्य को गिफ्ट में क्या देना है। अब इसको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि घड़ी लेनी कौन सी है, इसको ये खुद ही नहीं पता। मैं कह रहा हूँ दो ही मत मुझे घड़ी, क्यों मुझे तुम शगन डाल दो। हम चाहते हैं आपका टाइम अच्छा हो जाए, तुम जितने की घड़ी शगन डाल दो। कितनी उच्च सोच है इस लड़की, वाह। ऐसे लोगों को ना पूछना ही चाहिए, हम खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि इसको क्या दे रहे हैं। मास्टर प्लान है, काम करेंगे हम ना, घड़ी ले लेंगे, ऑर्डर कर लेंगे, उसको ना सीओडी कर लेंगे। और ना जैसे वो घड़ी आने वाली होगी ना, हम सब घर से भाग जाएंगे भैया को यहाँ छोड़ के कि भाई तू तो अपने पैसे खुद ही दे ले। पर गिफ्ट हमने दिया, हम गिफ्ट तो दिया, हमने ऑर्डर किया है ना। फाइनली जाके मैंने डिसाइड कर दिया कि आदित्य को उसके बर्थडे पे क्या गिफ्ट देना। बट एक इंसान है जो कि डिसाइड नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको इतनी ज्यादा लाइफ में कंफ्यूजन है ना, वो है टैडी गौतम। ये बेचारा एक रस का पीस 3 बजे का दिया हुआ है, ये बेचारा एक रस का पीस इधर उधर लेके घूम रहा है। टैडी, ये खाने के लिए दिया है तुझे हमने, ये कभी आदित्य के कमरे में घुस जाता है इसको लेके, कभी मेरे कमरे में घुस जाता है, कभी पापा मम्मी के कमरे में आ जाता है, चाहता है क्या है तू? हमने तुझे दिया है, हम इतने क्यों लेंगे बेबी, गुच्छा क्यों जाता है। लाओ लाओ, हेल्प करो खिलाने में। अब हम छत पे जाके करेंगे थोड़ी सी वॉक। तो आप सब सोचे होंगे कि मैं इतनी जल्दी कैसे आगे छत पे वर्कआउट करने, यार एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी उठूँ, क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, क्योंकि कोरोना की वजह से हम सबका कोई शेड्यूल नहीं है, जो लेट उठ रहे हैं, लेट सो रहे हैं। और वैसे भी जब हम हैवी वर्कआउट करते हैं ना, तो उसके 1-2 घंटे तक तो नींद आती नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आपको नींद आ ही नहीं पाती है। तो कहीं ना कहीं हमारी टाइमिंग्स में थोड़ा सा खोटा है, क्योंकि हम करते ही वर्कआउट 7 या 8 बजे के बाद है, तो उसके बाद ना मुझे नींद आती है ना आदित्य को नींद आती है। तो इस स्लीपिंग पैटर्न को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये देखो, जिस दिन लोगों का वर्कआउट डे नहीं होता, वो करते क्या है, इन कुर्सियों का कैसे प्रयोग करते हैं। मैं भी लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, वर्कआउट वाले बेंच को आप आरामदायक चेयर भी बना सकते हो, पर उसके लिए ऐसी छत होनी जरूरी है ना, ऐसे छत है जिनकी, ऐसा आसमान होना जरूरी है। आसमान सुंदर है, सामने सनसेट हो रहा है, और क्या चीज है। ओह, चल तेरी नजरिए से लोगों को दिखाते, तो क्या देख रहा है। मैं देख रहा हूँ डिश टीवी, टाटा स्काई, वीडियो कॉन, टाटा स्काई, और वो पंछी उड़ रहा है। कमेंट करके बताओ कौन सा तीनों में से अच्छा है। और ये पेड़ आम का पेड़ है, यहाँ पे ऊपर बादल है, ये बादल है, ये बादल है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये छोटू सा बादल है, और ये पंछी जा रहा है, वो देखो वो रामू जा रहा है, और वो इधर मुड़ो इधर मुड़ो इधर मुड़ो, ये बेवकूफ खड़ी है। सबसे बड़ा जानवर तो ये खड़ा है। हाँ, मैंने दिखाई नहीं दिया। इस पंछी का नाम है उड़ती मैना, इसका नाम है मैना, मैना पंछी होता है ना। ये दौर पे वाला डांस करती हुई आ रही हमारे पास। हाँ। क्या चाहिए आपको? दाना नहीं मिलेगा आपको। दाना चाहिए इसको। भाग 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 भाग, आया शेर, आया शेर। काश मेरे में इतनी स्ट्रेंथ होती कि मैं भैया को ऐसे उठा के ऐसे गिरा सकती थी। कोशिश कर ले, छोड़ो फिर मैं करूंगा। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगी। ये देखो कितनी इज्जत है हमारे कुत्ते की। टैडी दंदी मार के दिखा दे इसको, ये देख दंदी मारे दे टैडी दंदी। आज ये ब्लैंड का मास्क क्यों बनाया जा रहा है ये? यार टैडी की स्टोरी तो हमने किसी को बताई नहीं, टैडी की टैडी वाली स्टोरी। टैडी नहीं वाली स्टोरी सुना। हम टैडी के लिए एक बड़ी प्यारी टैडी ही लाए थे। यार टैडी के लिए ना हम एक लड़की लेके आए थे, हमने कहा इसके बच्चे, लड़की थी बिच, अब बिच इसके लिए, वो लड़की थी, इसके इमोशंस को हर्ट मत करो, उसको बिच बोल के। हाँ, तो टैडी के लिए हम एक लड़की लेके आए, उसका नाम भी टैडी था। वाह, देखा कोइंसिडेंस।
पर क्या हुआ, ये वो इसके सामने ऐसे 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 डांस करती थी, ऐसे ऐसे पंजे मारती थी और टैडी उसके ऊपर ऐसे गंदे से पड़ता था। हमने बहुत कोशिश की, इन दोनों को कमरे में बंद किया, इन दोनों को घर पे खुला छोड़ा कि कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगी। बता दो, करा के रहे थे, मेट करा रहे थे ना, तो बता दे लोगों को, बेचारे पता नहीं क्या ही करने की कोशिश चल रही है। तो बट हो नहीं पाया यार, ये इसने धोखा दे दिया, बिल्कुल भी घास नहीं डाली, ये पिघलता ही नहीं है लड़कियों के सामने बिल्कुल भी, ये सख्त लौंडा है, ये सख्त लौंडा है। वर्कआउट हो चुका है मेरा पूरा, तो आज खाने में क्या है मामा? दाल है, कद्दू है, फ्रांस बीन, पनीर की सब्जी, और ये हमारा हलवा, कौन सा है, मूंग दाल का हलवा। तुमने खानी है सोयाबीन की बड़ी है तो मैं क्या करूं। और इधर आदित्य गौतम, ये देखो आदित्य बेटा, ओम धातु का काम करना है। ओ हेलो, हेलो, हेलो। मैंने इसको उठाने की पूरी कोशिश कर लिया है, ना इसने खाना खाया, ना इसने अब तक वर्कआउट किया। भाई साहब मुझे तो आ रही बहुत जोर से नींद, मैं तो लगी सोने। तो गाइस पहले तो आप सबको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जल्दी सोगे तो जल्दी उठोगे तो पूरा दिनों का काम करने के लिए और ज़्यादा काम करने के लिए टाइम मिलेगा, तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। तो आज मैं बाय चांस जल्दी सो गया था, तो 5 बजे मैं उठ गया हूँ। तो अभी जाके बनाते हैं बढ़िया सी चाय, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत वर्कआउट करेंगे, ऊपर जाके थोड़ी सैर करेंगे, सनराइज़ देखेंगे, और उसके बाद करेंगे वीडियो एडिट और आपके अपलोड करूँगा। तो अभी चलते हैं किचन में और चाय बनाते हैं। ओए होए होए होए, ये देखो कौन आया सुबह सुबह मेरे कमरे के पास। देखो चांद आया, चांद नजर आया, क्या दर्शन देने आई है तू अपने। फिर से सोने जा रही हूं, बाय बाय। ओए होए, सुबह सुबह चाय की चुस्की लेने का ना मज़ा ही कुछ आता है। और ना बादल हो रहे हैं आज, मुझे लग रहा बारिश ना हो, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता बारिश हो ना हो, क्योंकि भाई हमने तो रहना घर के अंदर ही, और लॉकडाउन लगा हुआ है। मेरे ख्याल से चंडीगढ़ में एक्सटेंड कर दिया लॉकडाउन 7 या 8 जून तक। अभी मैं चाय पी के नीचे आया ही था और ओंकार का मुझे टेक्स्ट आ गया कि कोई उठा हुआ है, तो मिल लेते हैं कहीं वॉक पे या रनिंग पे, वर्कआउट करने चल लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास वर्कआउट जाने का तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं मिल लेते हैं, थोड़ी गेड़ी वेड़ी मार लेते हैं और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा अपना फूडी के बारे में, वीडियो क्या बनानी है क्या नहीं बनानी है। सो गाइस निकलने से पहले मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई कोविड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट 2 मास्क पहन के ज़रूर जाएँ, सैनिटाइज़र अपने साथ ज़रूर रखें, किसी भी सरफेस को अननेसेसरली टच ना करें। चाहे आपके शहर में बिल्कुल ज़ीरो भी हो जाते हैं ना केसेस, तब भी अपना प्रिकॉशन पूरा लेके चलें, अपनी सेफ्टी के लिए नहीं, अपने एल्डर्स की सेफ्टी के लिए, अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए। तो क्योंकि आप कैरियर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको कोविड के सिम्टम्स आएंगे, जो आपके घर के एल्डर्स हैं वो भी बीमार हो सकते हैं इन चीज़ों की वजह से, आप कोविड वायरस का कैरियर ना बने अपनी फैमिली के लिए। ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। वाह, मेरे को तो सावधान इंडिया में होना चाहिए था। चलो मैं चलता हूँ ओंकार के पास। आज तुझे क्या हो गया, सुबह इतनी जल्दी उठ गया? ओ यार मैं बहुत जल्दी सो गया था। अच्छा हाँ, तो मैं क्या करता, मेरी नींद खुल गई, मतलब मैंने कोई जानबूझ के नहीं उठा मैं। ये सही है मेरे वाला हाल, कभी जल्दी सोचो ना जल्दी उठ जाते हैं। सही बात है, सही बात। तो फिर अभी गेड़ी बांधने का मन कर गया। हाँ मैंने कहा यार वर्कआउट वगैरह तो हमारे बस का है नहीं सुबह उठ के। बस का है पर हाँ। उसके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए हाँ, होती। इतनी मोटिवेशन नहीं है, अगर मुक्ति जल्दी उठ जाती हाँ। तो शायद वो मोटिवेट कर पाती हाँ। एक और चीज आप सबके साथ मैंने शेयर करनी थी, मैंने जो वैक्सीन लगवाया ना भाई साहब, उस टाइम तो दर्द हुई नहीं, पर 12 घंटे के बाद जो ये बाजू दुखी है ना, रात को ना मुझे शिवरिंग स्टार्ट होगी, ठंड इतनी ज्यादा लगी है ना, इतनी ज्यादा ठंड लगी है, ऐसे लग रहा है मैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ। वो अलग बात है मैं कभी माउंट एवरेस्ट गया नहीं, पर ठंड वैसी लगी थी बहुत तो ज्यादा। तुमने तो बुखार वगैरह तो नहीं हुआ तुम्हें? बुखार हो गया था ना रात को, तो फिर तुमने दवाई ले ली थी? दवाई ले ली थी, पर फिर भी 3-4 घंटे शिवरिंग रही बहुत ज्यादा भयंकर। बाजू में भी दर्द है? बाजू में अभी तक हाँ दर्द है। क्या बात है, तुम्हारे अंदर एंटीबॉडीज पैदा हो रही हैं। तो अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो मतलब नॉर्मल है, थोड़ी सी बॉडी में अभी भी ना वो है, फटीग सी होती है ना, थकावट सी, उस टाइप की फीलिंग है, पर ओवरऑल अब बेटर है। देखा जाए ना हम 1 मिलियन होने वाले हैं, पर अभी तक हमने जो कंटेंट है ना असली तरीके से डालना शुरू ही नहीं किया, अभी तक तो सिर्फ मस्ती चल रही थी, कभी काम के तरीके से लिया ही नहीं। जब हम स्टूडियो जाएंगे ना तब जाके प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल से काम स्टार्ट होगा, अभी तक सिर्फ मस्ती चल रही है। सही बात है, मैं हमने ना सच्ची सोचा था जब हमारे 10,000 फॉलोअर हो जाएंगे, 10,000
10 लाख नहीं बोल रहा मैं, तो हम ऐसा कंटेंट बनाएंगे, फिर वो 10,000 फॉलोअर हो गए, फिर हमने सोचा 50,000 पे बनाएंगे, फिर हमने सोचा 5 लाख पे बनाएंगे, पर वो मस्ती मस्ती में ही हम 1 मिलियन तक पहुंचने वाले हो गए हुए हैं। तो अब स्टूडियो में जैसे शिफ्ट होएंगे तब हम सारे इकट्ठे होएंगे ना, तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकलेगी। सही बात है। एक बात बताओ, लोग काफी पूछ रहे हैं कि आदित्य को अपनी क्रश के साथ डेट पे भेज दूं। तो भाई पीरी पीरी को इंसान होना चाहिए ना पहले। नहीं नहीं नहीं, पीरी पीरी के अलावा बोल रहे हैं वो। अच्छा, मैंने उनको ये बोलना चाहता। देखो दीपिका पादुकोण इतनी वेली तो है नहीं कि इसके साथ आ जाएगी डेट पे, इसकी क्रश है दीपिका पादुकोण। तो अगर दीपिका पादुकोण बाय चांस इस वीडियो को देख रही है तो देख लो तुम्हारे बच्चे का थोड़ा सा दिल रख लो, इसके साथ पानी पूरी पीने चले जाना कहीं पे, और उसी चुल्लू पर भारी पे ये डूब मरेगा बाद में। ऐसा ना हो ना वो ब्लाइंड डेट पे दीपिका पादुकोण में आके बंद करके जाऊं, सामने रणवीर सिंह बैठा हो डंडा लेके और बोले आजा तू आजा आजा इधर डेट में, और छोड़ वो दो को छोड़ के कपिल शर्मा भी बैठा हो सकता है उसकी ज्यादा नजर है, वो बोलेगा मैं पहले लाइन में लगा हूं तुझे ज्यादा काली बची है। तो गाइस ओंकार को कर दिया मैंने ड्रॉप और इसी के साथ करता हूं मैं ब्लॉग को खत्म। आई होप यू आर फाइन, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। गाइस बाय बाय, टाटा, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।